और गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर है, मुआवजे के लिए 30 गांव की महापंचायत, बता दें महापंचायत में ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया है, मुआवजा ना मिलने पर चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी। लोकसभा विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है, चुनाव में शामिल नहीं होंगे 30 गांव के लोग। तो देखिए आपको बता दें कि गुरुग्राम से बड़ी खबर है, बता दें महापंचायत में ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया है। तो गुरुग्राम के मानेसर में जमीन के मुआवजे की मांग के लिए 30 गांव की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 1128 और 1810 एकड़ जमीन उचित मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उचित मुआवजा नहीं मिला तो निगम चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि इन 30 में से ना तो कोई उम्मीदवार खड़ा होगा और ना ही चुनाव में लोग शामिल होंगे। तो देखिए लोगों ने, ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया है, महापंचायत में ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया है कि मुआवजा ना मिलने पर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। 19 मार्च को जो हम चार गांवों ने पंचायत करके चुनाव का मेयर चुनाव का बहिष्कार किया था, 30 गांवों ने आज उस हमारी बात पर मोहर लगा दी। आगे वो जो धरना है वो संयुक्त धरना चलेगा 1128 और 1810 एकड़ का, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ हम 1 इंच जमीन पर सरकार को HSIDC को कब्जा नहीं देंगे जब तक हमारी सारी बातें सॉर्ट आउट नहीं होगी। देखो हमारे किसान भाई कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, देखो इन्होंने 90 लाख रुपए सरकार ने दिए थे और आज 2011 में सरकार ने पैसे दिए थे 79 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने उस टाइम सरकार ने पैसे ट्रेजरी में डाले थे, उसी टाइम वापस निकाल लिए। तो ये तो सरकार से गुहार कर रहे हैं, अगर भाई इनका ब्याज तो हमारे को दिया जाए, अब जायज बात हमारी तो ना जायज है तो बता दो, और आगे चुनाव का बहिष्कार हो ही रहा है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं, कोई भी कैंडिडेट गाँव के अंदर नहीं घुसेगा चुनाव के लिए, ये हम सरकार से चुनौती है। आगे बोलो, हमारी पंचायत हुई है ये निगम का चुनाव को बहिष्कार के लिए हुई है और ये सर्वसम्मति से हमने फैसला ले लिया है कि इस चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। 30 गांव है, सोसाइटी सेक्टर सभी बहिष्कार कर रहे हैं इसका, इस सर्वसम्मति से ये बात है। जब तक हमारा ये 1810 और 1128 एकड़ जो जमीन है इसके बारे में कोई फैसला ना हो जाए, जब तक ये बहिष्कार भी रहेगा और इससे आगे विधानसभा और लोकसभा तक भी ये विस्तार करेंगे हम। 1128 का ये 1810 का तहसील में चल रहा है, हमने दोनों को आज हमारे अध्यक्ष महोदय ने कलब कर दिया है और उन दोनों को मर्ज करके हम पचगावा चौक या जो भी स्थान हमारी सरदारी निर्धारित करेगी वहाँ पे वो धरने एकत्रित और एक संगठन के तहत माध्यम से चलेंगे।